हेलो मेरे भाइयों और लड़कियों, बड़ा हरामी हो बेटा। एक बार फिर से मार चुके थे गांड तोड़ गेम प्ले में। अबे बे साला मुंह से निकल गई, सही में मत तोड़ देना। तो भाई लोग यहाँ पे सिंपल सा अपन लैंड कर ही रहे थे, तभी अपने आसपास में बहुत सारे अपने फैन वैन आ चुके थे। अपन यार जोनाथन के गुरु है, अपने सारे बहुत सारे फैन आए थे मिलने के लिए। तभी अपन को पाइजर मिली, देख सामने कैसी पेटियाँ बनती है। अब देखो अबे साले यार हग दिया है, अपनी ही पेटी बन गई। चलो कोई ना, बड़े बड़े शहरों में कभी कभी खुद की मरवानी पड़ती है। जैसे आज अपन ने मरवाई, कल तुम भी मरवा लेना। तो भाई लोग यहाँ पे कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, तभी एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप अपने वीडियो में गालियाँ मत दो। तो भाई लोग ऐसा कमेंट देखने के बाद में इतनी ज़्यादा ठंडी वाली रात में भाई मैं 3 बजे डिप्रेशन में गया, और 3:01 पे ना डिप्रेशन से बाहर आ गया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस भाई की बात पे थोड़ा अमल किया जाए। अब भाई लोग अमल ऐसे करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सोचा, इतना सोचा कि मैंने आज तक जिंदगी में इतना कभी नहीं सोचा होगा। तो भाई मैंने पूरे के पूरे 5 सेकंड तक सोचा, 5 सेकंड भाई सोच रहे हो, 5 सेकंड तक सोचा। उसके बाद मैंने खुद से 2 वादे किए। पहला वादा ये कि आज के बाद मैं अपने वीडियो में कभी गाली नहीं दूंगा। सालों खुश हो रहे हो ना। फिर मैंने अपने आप से दूसरा वादा किया कि जो मैंने पहला वादा किया ना उसको मैं कभी नहीं निभाऊंगा। अब लोग आप खुद समझ चुके हैं कि यहाँ पर मैंने कितना ज़्यादा सोचता हूँ, और इसी सोच के कारण अपन ने C1S3 में टोटल मिला के 17 आईडी भाई, 10+7 17 आईडियों में कॉन्करर पुश किया है। सोच सकते हो इतनी ज़्यादा मेरी सोच है, और सोच से मैंने 17 आईडियों में कॉन्करर लगा दिया। तो भाई लोग यहाँ पर फाइनली अपना 17 आईडियो में आपको पता है कॉन्करर हो चुका है। देन भाई लोग आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे को एक नई उपाधि मिली थी जोनाथन का गुरु बनने की। तो भाई लोग यहाँ पर अपन ठहरे जोनाथन के गुरु, अपने लिए तो सब कुछ हलवा है, तो हलवा बना के उसी को आप खा जाओ, ठीक है। लेकिन भाई लोग बात करें आइडियो की, तो अपन ने 17 आइडियो में कॉन्करर पुश कर लिया। तो भाई लोग यही मेरी जो शक्ति है ना, सोचने की शक्ति, और इसी सोचने की शक्ति से मैंने यहाँ पे 17 आइडियो में कॉन्करर पुश लगाया। बहुत सारे बंदे पूछते कि कैसे लगाते हो, भाई मैंने अपने सोचने की शक्ति से लगाया। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और साले तुम अपनी सेटिंग के नंबर भी मेरे को भेज दोगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी सोच बोल रही है, और मैं जो सोचता हूँ वो हमेशा होता है। सालो देखो तुमने सब्सक्राइब कर दिया ना, अपने 29K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 29,000 भाई मेरे सोचने की शक्ति से हो रहे हैं। और तुम भी ऐसे सोचो, तुम्हारा भी हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या है, सोचने के कौन से पैसे लग दें। सालो मेरे भी नहीं लगते, आपके भी नहीं लगेंगे। तो भाई लोग अब बात करते हैं आज के गेम प्ले की। मुझे पता है सालों बात नहीं की थी तो मेरे को लात मार के भगा दोगे। तो भाई लोग हमको निकलना था जोन, और हमको लग रहा था कि हमारा ब्रिज गेम हो सकता था, लेकिन भाई लोग ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये हमारी सोचने की शक्ति है। हमको लगा था, हमने सोचा था कि ब्रिज गेम होगा, लेकिन हमारी शक्ति इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना कि जिंदगी में कभी काम नहीं करती। तो भाई लोग हम यहाँ से जोन में जा रहे थे ना, तभी भाई लोग सीन क्या होता है कि 2 मछुआरे ना नीचे कुछ मछलियाँ पकड़ रहे थे बोट में। तो भाई जैसे हमने उनको बोला भाई थोड़ी सी हमको मछलियाँ देते, 5 रुपये किलो देते, लेकिन वो साले नहीं माने। अब भाई बारी थी उनसे छीनने की, तो बस यहां पर देखो। अब भाई लोग मैं आपको बताता हूँ कि सोचने की शक्ति क्या होती है। अब भाई लोग इन बंदों ने सोचा कि क्यों ना वो बोर्ड से कूद जाए और वो बच जाएंगे, लेकिन भाई लोग हमारे सोचने की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी ना कि हमने सोचा कि क्यों ना हम उनका कैम कर लें, और कैम भी इस लेवल का करते हैं ना कि इन बंदों की सोच भी काम नहीं करती। अब भाई लोग सोच बोल के ना मेरे को खुद को सोच आ गया। अबे सालो 5 मिनट दो, मैं जाके आता हूँ, ठीक है, बिना हाथ धो के आ जाऊँगा सालो, रुक जाओ भाई। तो भाई लोग यहाँ पे फाइनल अपना क्लच हो चुका है, पूरा का पूरा 1v2 होते होते रह गया। लेकिन भाई लोग मैंने आपको बोला था मैं बिना हाथ धोया आता हूँ, बिना हाथ धोया है, इसका ये परिणाम था कि सिर्फ अपन को 1 किल मिला। दूसरा बंदा इसके पीछे था और वो सोच रहा था कि मैं बोट के पीछे रहूंगा तो मैं जिंदा रहूंगा। तो भाई लोग हमने बोला कि भाई तू सोचता रहे, हम जाते जोन में। तो भाई लोग अब मेरी सोचने की शक्ति मेरे को बोल रही है मेरे को नया चैनल बनाना चाहिए। अबे सालो तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, कर चुका हूँ मैं, जाके सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज भाई लोग उस चैनल पे ना अपन ट्राई करेंगे कि शॉर्ट्स वीडियो डालें, और शॉर्ट्स वीडियो में इतनी मतलब कि रोस्टिंग करें ना, कैरी मिनाटी भी अपने सामने ना हाथ जोड़ लें, बोले कि भाई तू कौन है यार, इतनी शुद्ध लैंग्वेज में अपन उसमें बात करेंगे ना। आप खुद सोचते रह जाओगे सालों, अगर तुमने बिना ईयरफोन के उस वीडियो को देखा ना तो साले तुम्हारी खुद की सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इस लेवल के अपन वीडियो लाने का ट्राई करेंगे, तो क्या लगता है अपन को उस पर वीडियो डालने चाहिए,
आपकी सोचने की शक्ति क्या बताती है, आप भी सोचकर जरूर बताना। तो भाई लोग हम यहाँ पे मिलके हग रहे थे। तभी भाई लोग एक बंदे को मेरे टीममेट का पिछवाड़ा अच्छा लगता है, देन वो आ जाता है मेरे टीममेट का पिछवाड़ा लेने के लिए। अब देखो आगे क्या होता है। तो बोलो कभी ये सामने वाला जो बंदा है ना, अब मुझे लग चुका था कि ये बंदा ना गू खाकर ही मानेगा। अब लोग मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो तो आप आगे जरूर देखना। तो भाई लोग इस वाले क्लिप को देखने के बाद में मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाता हूँ। भाई लोग मैंने अपनी क्रश को एक बार ना हाई मैसेज किया तो 10 साल बाद में उसका रिप्लाई आता है हेलो भाई। तो भाई लोग उस रिप्लाई को देखने के बाद में जितनी मेरे को खुशी नहीं हुई ना, उससे ज्यादा यहाँ पर मेरे को दुख होता है कि साला अगर बंदे को एक और गोली लग जाती तो 100% ये मेरा किल कन्फर्म हो जाता, लेकिन साला किस्मत इतनी खराब है कि क्या बोलूं मैं। तो भाई लोग अब मैंने आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूँ। ये वाले जो क्लिप है ना उसको देखने के बाद में यमराज जो होता है ना, खुद यमराज का रिप्लाई क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई लोग यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोला उसका मैं आपको रिप्लाई बताता हूँ। तो भाई लोग यहाँ पर जो अपने नीड है वो बंदे पे परफेक्ट फूट रहे, बंदे के ऊपर फूट रहे, लेकिन बंदा मर नहीं रहा है भाई। मतलब कि अमरता का ना वरदान अमृत पीकर आया है, कंफर्म बोल रहा हूँ कि ये बंदा आज अमृत पीकर खेल रहा है। तभी भाई लोग यहाँ पर नेक्स्ट जोन आ चुका था, तभी भाई लोग अपने सामने एक फ्री का किल होता है लेकिन उसको अपन लेने में असफल रहते हैं। तभी एक सामने से बंदा जाता है लेकिन उसको डैमेज देते हैं लेकिन किल लेने में असफल रहते हैं। साला इसको देखने के बाद में मैंने ये सोच लिया कि चेचा की मैं पेटी लूट लेता या अपनी पेटी खुद ही लूटवा लेता। लेकिन भाई लोग अब छोड़ो, अब भाई लोग बंदे बचे थे यहाँ पर टोटल मिला के देख रहे हो, अब साले खुद ही देख लो कितने बचे। लेकिन भाई लोग यहाँ पर अपने साथ अब जो ही सीन होने वाला है ना वो बस आप जरूर देखना। तो बोलो ये जैसे ही नीड फटा ना अपने पे भाई, उस नीड को देखने के बाद मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई, मेरे को सिलाई करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग गए। अब मैंने किसकी सिलाई की वो तो सालों तुम खुद ही समझ जाओ। लेकिन भाई लोग मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब भाई जो ही अपने पे नीड आ रहे हैं उसको देखने के बाद मैं कसम से अपनी यहाँ पे फट चुकी थी, लेकिन साला जिंदगी में मेरी क्रश ना मेरे को रिप्लाई में आई लव यू बोल देगी। लेकिन साले अपने नीड से बंदे कभी नॉक नहीं होंगे। तो भाई लोग किसी के साथ में एक साथ बोलो स्वाहा। अपनी यहाँ पे पेटी बन चुकी थी और भाई लोग यहाँ पे अपनी जो अस्थियां है ना वो मिलिट्री बेस के नीचे वाले ब्रिज में जरूर बहा देना।